Hello everyone, welcome to Active Class YouTube channel. Today I am going to tell you very important question and answer. So must watch this video till end. It could be very helpful for you. If you are new at my channel, please like and subscribe my channel and don't forget to press the bell icon. Okay, friends, let's start to the topic without any delay. The first question is: What is first article inspection? फर्स्ट आर्टिकल इंस्पेक्शन क्या है और किसे कहते हैं फ्रेंड्स इसका आंसर ये होगा फर्स्ट आर्टिकल इंस्पेक्शन जो है एक प्रोडक्शन वेलिडेशन प्रोसेस है इसमें हम वेरीफाई करते हैं जब कभी कोई नया प्रोडक्ट या कोई किसी प्रोडक्ट के अंदर मॉडिफाइड किया जाता है किसी तरह का कोई चेंजेस किया जाता है प्रोडक्शन प्रोसेस होता है उसमें हम क्या करते हैं इंस्पेक्शन करते हैं इंस्पेक्ट करते हैं और कंफर्म करते हैं कि ये जो प्रोडक्शन हो रहा है ये जो पार्ट प्रोड्यूस हो रहा है ये मीट्स कर रहा है कि नहीं कर रहा है मैनुफैक्चरिंग स्पेसिफिकेशन को टेक्निकल स्पेसिफिकेशन इंजीनियरिंग ड्राॅइंग या एनी काइंड ऑफ चेंज जो हमने किया है वो क्या मीट कर रहा है कि नहीं कस्टमर रिक्वायरमेंट को इसमें हम इंस्पेक्शन करते हैं सारे चीज़ों को देखते हैं पैरामीटर चेक करते हैं और फर्स्ट आर्टिकल इंशियनवे में हम मेक श्योर sure करते हैं कि जो प्रोडक्शन प्रोड्यूस किया जा रहा है उसमें उसकी क्वालिटी जो हो उसकी जो रिक्वायरमेंट क्वालिटी जो हो वो मीट कर रहा हो कस्टमर रिक्वायरमेंट को स्पेसिफिकेशन को उसे हम फर्स्ट आर्टिकल इंस्पेक्शन कहते हैं दूसरा क्वेश्चन है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ क्यूसी इंस्पेक्शन यानी क्यूसी इंस्पेक्शन के कितने तरह के होते हैं क्योंकि क्यूसी इंस्पेक्शन के क्या क्या टाइप हैं सफी के अंदर चार तरह के इंस्पेक्शन होते हैं पहला होता है प्री प्रोडक्शन इंस्पेक्शन इसमें हम क्या करते हैं प्रोडक्शन होने से पहले हम पार्ट्स को चेक करते हैं उसे हम बोलते हैं प्री प्री प्रोडक्शन इंस्पेक्शन दूसरा होता है डूरिंग प्रोडक्शन इंस्पेक्शन इसमें हम प्रोडक्शन जब होता रहता है प्रोडक्शन चल रहा होता है उसके बीच में जो हम चेक करते हैं उसे हम बोलते हैं डूरिंग प्रोडक्शन इंस्पेक्शन और तीसरा होता है प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन क्या होता है जब हम किसी भी गुड्स को किसी भी पार्ट्स को किसी भी आइटम्स को हम जब हम एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं उसके पहले हम चेक करते हैं कि हमारा जो गुड्स है वो कस्टमर की रिक्वायरमेंट है स्पेसिफिकेशन उसको मीट कर रहा है या नहीं कर रहा है और चौथा है कंटेनर लोडिंग अनलोडिंग इंस्पेक्शन इसमें हम क्या करते हैं कंटेनर को चेक करते हैं कि कहीं पे अगर हम हमारा जो गुड्स है उसके अंदर रखा जाएगा तो किसी तरह का को कोई डैमेज तो नहीं होगा या जो हम सामान रखने वाले हैं कंटेनर के अंदर क्या वो उसके अंदर किसी तरह का को कोई केमिकल तो नहीं है या किसी तरह का कुछ भी ऐसा तो नहीं है जिससे कि उसको रखने के बाद किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम आए तो इस तरह का इंस्पेक्शन करते हैं जानते हैं हम डिटेल में अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ प्री प्रोडक्शन इंस्पेक्शन प्री प्रोडक्शन इंस्पेक्शन जो है ये एक नेक्स्ट स्टेप होता है आफ्टर द आइडेंटिफिकेशन एंड इवेलुएशन ऑफ योर वेंडर और फैक्ट्री इसमें क्या होता है सबसे पहले हम वेंडर और फैक्ट्री का आइडेंटिफिकेशन करते हैं इवेल्यूएशन करते हैं उसके बाद क्या होता है जब प्रोडक्शन स्टार्ट होता है तो उसमें हम सैम्पल को जो चेक करते हैं उसे हम बोलते हैं प्री प्रोडक्शन इंस्पेक्शन यानी प्रोडक्शन होने से पहले हम सैंपलिंग करते हैं उसे हम बोलते हैं प्री प्रोडक्शन इंस्पेक्शन दूसरा क्वेश्चन है वॉट इज डिंग प्रोडक्शन इंस्पेक्शन ड्रग प्रोडक्शन इंस्पेक्शन को हम डुपड़ो के नाम से भी जानते हैं इसमें क्या होता है डरिंग प्रोडक्शन इंस्पेक्शन को हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं डी पी आई ये क्या ड्रिंग प्रोडक्शन इंस्पेक्शन में हम क्या करते हैं जब प्रोडक्शन स्टार्ट रहता है जब चलता रहता है प्रोडक्शन प्रोडक्शन uh, प्रोसेस में होता है तो हम उस बीच में जो है एक एक घंटा दो घंटे के बीच में जो के हम चेक करते हैं uh, किसी पार्ट्स को उससे हम बोलते हैं ड्रिंग प्रोडक्शन इंस्पेक्शन तीसरा है व्हाट इज प्री-शिपमेंट इंस्पेक्शन प्री-शिपमेंट इंस्पेक्शन इज अ रेंडम असेसमेंट कम्प्राइजिंग ए डिटेल्ड रिव्यू ऑफ फिनिश्ड गुड्स बिफोर शिपमेंट्स किसी भी पार्ट्स को किसी भी गुड्स को हम शिपिंग करने से पहले हम चेक करते हैं रिव्यू करते हैं कि जो हमारा आइटम्स है जो गुड्स है वो किसी तरह का कोई उसके अंदर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है डॉक्यूमेंटेशन वगैरह है कि नहीं है जो भी ज़रूरत है उसको हम चेक करते हैं कि कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट है वो मीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है आ, ये सारी चीज़ें हम चेक करते हैं प्री शिप से पहले हम स्पैच इंस्पेक्शन भी कहते हैं किसी भी गुड्स को किसी भी आइटम्स को किसी भी पार्ट्स को कस्टमर तक भेजने से पहले हम उसको चेक करते हैं मेक श्योर sure करते हैं कि किसी तरह का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है उसे हम बोलते हैं प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन और प्री डिस्पैच इंस्पेक्शन चौथा है व्हाट इज कंटेनर लोडिंग एंड अनलोडिंग इंस्पेक्शन आंसर है द इंस्पेक्टर एग्जामिन द शिपिंग कंटेनर फॉर एनी साइन ऑफ डैमेज और इशू दैट कुड अफेक्ट द सेफ्टी ऑफ गुड्स ड्रिंग ट्रांजिट एंड वेरीफाइड द कंटेनर इज क्लीन एंड सुटेबल फॉर द टाइप ऑफ प्रोडक्ट बींग लोडेड इसका मतलब यह हुआ जो इंस्पेक्टर होता है वो एग्जामिन करता है जो कंटेनर है उसके अंदर किसी तरह का कोई डैमेज तो नहीं है कोई किसी तरह कोई इश्यू तो नहीं है जिससे कि किसी तरह का अगर हम सामान वगैरह अपने गुड्स को उसके अंदर रखते हैं तो वो अफेक्ट करता हो सेफ्टी के ऊपर और इसमें हम वेरीफाई ये भी करते हैं कि जो कंटेनर है वो क्लीन है कि नहीं है ऐसा तो नहीं है पहले से इसमें कुछ ऐसा सामान आया हो केमिकल वग़ैरह आया हो उसके बाद हम कुछ उसमें कुछ फूड आइटम डाल रहे हैं तो हम ये भी चेक करते हैं कि कंटेनर जो है वो क्लीन है कि नहीं क्या हम उसमें जो आइटम रखने वाले उस आइटम को उसके अंदर रख सकते हैं या नहीं ये सारे चीज़ का हम इंस्पेक्शन करते हैं कंटेनर लोडिंग और अनलोडिंग इंस्पेक्शन में सो so फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि क्वालिटी इंस्पेक्शन कितने तरह के होते हैं और कौन कौन से होते हैं और उसका क्या काम होता है दिस इज इन टॉपिक इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माइ चैनल एंड कलीग एंड डोट फॉर्ग टू गिव फीडबैक एंड डोट फॉर्ग टू गिव फीडबैक योर फीडबैक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी योर फीडबैक मोटिवेट मी टू मेक न्यूडियोज थैंक्स फॉर वॉचिंग